जरा सबर करो। तो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का हमारी एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको इतने अपडेट्स देने वाला हूँ, किसी ने सोची ना होगी। चल झूठ। तो पहले जान लीजिए कि आप इस वीडियो में क्या देखने वाले हो। तो गाइस, इस वीडियो में आपको नेक्स्ट डायमंड रॉयल, नेक्स्ट वेपन रॉयल, अपकमिंग MP5 इनक्यूबेटर और साथ में न्यू M80-87 के गन स्किन्स के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से लाइक कर लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार वेट किस चीज का कर रहे हो, फटाक से सब्सक्राइब करो हर एक इवेंट का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए और बकवास फ्री पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल कौन सा होने वाला है। भाई यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक आदिवासी का बंडल, मतलब रेंजर ट्राइब का बंडल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। और भाई यार यहाँ पर बंडल देख लीजिए, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कैसा बंडल होने वाला है। और गाइस यार यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, अगर ये बंडल जो है डायमंड रॉयल में नहीं आया तो आपको कौन सा डायमंड रॉयल देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों में से बंडल में से आपको जो कोई भी एक डायमंड रॉयल देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आपको मेल का बंडल देखने को मिले, क्योंकि गाइस यार जो एक्समेट का अपना जो ईवो गन आने वाला या फिर आ चुका है उसके रिलेटेड जो ये वाले दो बंडल होने वाले हैं, तो आप जो इनको कंसीडर कर सकते हो। बाकी गाइस यार जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये भी आपको जो देखने को मिल सकता है, बाकी इसका फीमेल का वर्जन यहाँ पर जो हमको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमने जो स्पिन करके भी दिखाए हैं, एंड गाइस यहाँ पर जो हमको बंडल लग भी चुका है, मतलब क्या ही लगे गाइस, मेरी मेन आईडी में मुझे डायमंड रॉयल इतनी जल्दी कभी भी नहीं लगता, और पहले स्पिन में पहले 10 स्पिन में तो कभी भी नहीं लगता भाई। तो यहाँ पर आपने बंडल देख लिया है, यहाँ पर आप इसका पूरा नाम भी पढ़ सकते हो। तो गाइस यार आपको जो देखने को मिल सकता है डायमंड रॉयल के तौर पर या फिर आपको किसी छोटे मोटे इवेंट में भी देखने को मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भी कोई भी अपडेट कंफर्म होती है सबसे पहले आपको बताऊंगा। और बीच में दो बंडल आपको दिखाया उनको भी आप जो है कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जल्दी गाइस अपने इंडियन सर्वर में इनक्यूबेटर चेंज होने वाला है, और अपकमिंग इनक्यूबेटर हमको देखने को मिलने वाला है लावा MP5 गन स्किन्स का। तो भाई यहां पर सबसे पहला MP5 का जो इनक्यूबेटर होने वाला है, पिछली बार हमको देखने को मिला था UMP का इनक्यूबेटर, और गाइस अब जो है हमको देखने को मिलता है अपने MP5 गन स्किन का यहां पर जो इनक्यूबेटर। भाई यार यहां पर लुक वगैरह आप सब देख सकते हो, मतलब क्या ही तगड़ा जो है हमको देखने को मिलता है ये वाला इनक्यूबेटर। एट्रीब्यूट जो भी वगैरह है ना यहाँ पर जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको सारे के सारे गन स्किन्स का एट्रीब्यूट बताऊंगा तो वीडियो ऐसे भी लंबी हो जाएगी और मैं भी कंफ्यूज होता हूँ आपको जो एट्रीब्यूट बताने में। तो भाई यार आप जो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो सारे के सारे गन स्किन्स का एट्रीब्यूट वगैरह सब यहाँ पर आप देख सकते हो। और कमेंट में बताना भाई यार आपको नेक्स्ट इनक्यूबेटर कैसा लगा है, और अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई यार क्या कर रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया ना लाइक कर लो, चैनल पे नए आ रहे हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। पता नहीं मैं वीडियो के बीच में क्यों बता रहा हूँ, लिटरली मैं बताता नहीं हूँ बट आप जरूर से कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, एंड गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट वेपन रॉयल कौन सा होने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो आपको देखने को मिल रही है एक न्यू ग्रोजा की गन स्किन, और भाई क्या ही तबाही वाली दिख रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। और कमेंट में जरूर से बताना कि आपको कैसी लगी है, और भाई हो सकता है आपको जो है ये वाली देखने को मिल जाए अपने नेक्स्ट वेपन रॉयल के तौर पर, और जो भी आता है आपको जो है सबसे पहले बताता हूँ। और भाई यार आपको यहाँ पर जो है 90% कंफर्म पकड़ के चलना है, एट्रीब्यूट्स वगैरह आप जो वापस स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया। तो आप जो है कमेंट में बताना कि आपको ये वाली गन स्किन कैसी लगी है, मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अपने अपकमिंग न्यू M80-87 के गन स्किन्स के बारे में, और आपको जो यहाँ पर दो गन स्किन्स दिखाऊंगा एकदम ध्यान से देखिए। और जिन बंदों को पता नहीं था कि OB29 अपडेट में क्यों जो है यहाँ पर M80-87 गन स्किन के एट्रीब्यूट्स कम किए गए, तो भाई यार गरीना वालों को न्यू गन स्किन्स भी लाने, आपसे पैसा भी लेना है डायमंड भी लेना है तो करना ही पड़ेगा ना, आप समझदार हो, आप मतलब एक पूरा वीडियो बना के रखा है भाई यार आप जो है गेम में टॉपअप वगैरह मत करिए, डायमंड मत लीजिए, पैसा मत खर्चिए। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो बिना स्किन वाला M80-87 यूज करते हो ना वही करिए भाई, मतलब कोई भी सेंस नहीं बनता। और इसके थीम के ऊपर आपको जो है ग्लू वॉल एंड एक थॉमसन की भी गन स्किन देखने को मिलती है, तो आप जो है यहाँ पर ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर सेकंड भी गन स्किन आप देख सकते हो M80-87 की, जो की कट्टा आप डबल बैरल भी बुलाते हो, भाई क्या ही ओपी देखने को मिलती है। और हमारे जो प्रिय यूट्यूबर है यहाँ पर जो है मतलब EO M80-87 जो है इसको घोषित कर दिए हैं, आपका
इसके बारे में क्या रीजन है कि या फिर क्या सुझाव है, आप जो है हमें कमेंट में जरूर से बताना। और गाइज मुझे नहीं लगता कि M887 हमको ईओ गन के तौर पे देखने को मिलेगी, बट गरीना वाले जो है सस्ता नशा करके बैठेंगे तो हमको जल्दी ही ईओ के तौर पे भी देखने को मिलेगी। और फिलहाल जो यहाँ पर किसी भी तरह के एट्रीब्यूट इसके कन्फर्म नहीं हुए हैं, तो आपको हमारे प्रिय यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि इसमें डबल डैमेज है या फिर ट्रिपल रेट ऑफ फायर है, तो आपको कंसिडर नहीं करना है। बढ़ते अपने वेक्टर की गन स्किन की तरफ, तो भाई यहाँ पर जो हमको देखने को मिलती है तबाही वाली वेक्टर की गन स्किन, और आप जो इसको पकड़ोगे तो एक का रेड मतलब एक का जो है रेड और दूसरे का ब्लू कलर हो जाएगा। और इसके भी जो है एट्रीब्यूट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए, दो भी मतलब दो तीन जो है आपको गन स्किन दिखाए उनके एट्रीब्यूट्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए, जैसे ही कंफर्म होंगे सबसे पहले आपको जो चैनल पे अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और गाइस जितनी भी आपको जो है गन स्किन्स मैंने अभी दिखाई है, ना ही उसमें एट्रीब्यूट्स अभी तक कंफर्म हुए हैं, ना ही उसका जो है वेब इवेंट कंफर्म हुआ है। जब भी वेब इवेंट कंफर्म होता है, एट्रीब्यूट्स कंफर्म होता है, तो आपको सबसे पहले चैनल पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक टी शर्ट या फिर शर्ट, आप जो है जिसको कुछ भी कह सकते हो। भाई यहाँ पर फादर्स डे के रिलेटेड है, कहाँ पे गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है। मुझे नहीं पता कब आएगा, या फिर आएगा भी या फिर नहीं आएगा, बट यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब क्या ही कूल देखने को लग रहा है। और भाई यार यहाँ पर मुझे बहुत ही तगड़ा लगा है, इसी वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो हम हर संडे दोपहर 12 बजे आपके लिए लाइव स्ट्रीम में गिव अवे करते हैं, तो आप जो है संडे दोपहर 12 बजे आ जाना। और इसके रिलेटेड सेकंड चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आईडी पासवर्ड आता है, तो आप इजीली ज्वाइन हो सकते हो। तो सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और इंस्टाग्राम पे 500 फॉलोअर्स होने वाले, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर एज ए फ्रेंड मुझसे बातें कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go, let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.